नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान सुधार के नाम से किसान सुधार के नाम से पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। को खत्म कर देगा, तो किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी है वो खत्म हो जाएगी। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि उसको कानूनी अधिकार बनाया जाए। दूसरा कानून है जो निजी कंपनियों को किसान के साथ अनुबंध करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की खुली छूट दे रहा है, जिसमें किसान तय करेगा कि जिसमें कंपनी तय करेगी कि किसान क्या उगाएगा, उसे क्या दर मिलेगी। और किसान उस स्थिति में पहुंच जाएगा जब गांधी जी को चंपारण में जाके किसान के लिए आंदोलन करना पड़ा था। अमीर, ये इसी तरह की नीतियां हैं जिसकी वजह से अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। देखिए, जो निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति है वो दुनिया के किसी भी देश में जहाँ लागू की गई है वहाँ अमीर गरीब के बीच का अंतर बढ़ा है। और ये नीति, ये जो तीन कानून बनाए गए हैं, जो तीसरा कानून है वो तो काला बाजारी की खुली छूट दे रहा है, क्योंकि अब अनाज, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज पे भंडारण की कोई सीमा ही नहीं रह गई। तो काला बाजारी को एक तरीके से वैध बना दिया है मोदी सरकार ने। ये तीनों कानून जो किसानों से संबंधित हैं ये निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, और इससे भी जो अमीर और गरीब के बीच की दूरी है वो बढ़ेगी। किसान अपने ही खेत पे मजदूर बन जाए। मैं ये कहूँगा कि इस बार जो भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इससे बड़ा कोई झूठा प्रधानमंत्री नहीं है। ये बात करते हैं, इन्होंने नारा दिया था, आपने सुना होगा, सबका साथ सबका विकास। अब अपना जो विकास, इन्होंने विकास का नाम पे जो है धोखा, अभी तक विकास किसानों को जो है रोड पर ला के खड़ा कर दिया। और किसान अपनी मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है, जिसकी जो डिमांड कर रहा है वो पूरी नहीं कर रहा, और अपना कानून ला के खड़ा कर दिया। और किसानों के ऊपर जो अत्याचार और जो है जो जुल्म कर रहे हैं, और ये इनके जो एक हथिनी के मरने पे दर्द होता है स्मृति ईरानी जी को और उनके भाजपा के तमाम नेताओं को इतना दर्द होता है। अब ला करके पानी की बौछारें इतनी ठंड में, उसमें कई ज़ईफ़ हैं, कई जवान हैं, कई अपनी रोज़गार छोड़ करके जो रोडों पर बैठा लगा, और कई एक शहीद भी हुए हैं, 10 से 12 लोग शहीद हो गए हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। अब इसको हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इसको इस सरकार को उखाड़ फेंक देगा, और जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे हम लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन करते हैं। मोहम्मद सलमान रैनी, सोशलिस्ट पार्टी जिला अध्यक्ष। जो सरकार आज एक बात कह रही है कि भ्रम फैल रहा है किसानों के बीच में, विपक्ष जो है भ्रम फैला रहा है, तो भ्रम तो मुझे लग रहा है सरकार फैला रही है। भाई, जो आज़ादी किसानों को पहले से ही थी कि वो अपना माल कहीं भी ले जाके बेचें, कहीं भी ले जाएं, और वो कह रहे हैं आज़ादी दे दी, तो क्या इससे पहले आज़ादी नहीं थी? अधिनियम जो इनका बना है मंडी एक्ट, उसमें क्लियर लिखा हुआ कि किसान कहीं कभी कहीं ले जाके माल बेच सकता है। और रही बात इसमें जो सरकार पहले से ही 22,000 करोड़ मैंने RTE के तहत मैं हर साल इन लोगों से लेता हूँ कि आपका कितना शुल्क वसूला, आपने शेष वसूला 22,000 करोड़ केवल उत्तर प्रदेश, और फैसिलिटी के नाम पे किसानों को, आप जाके मंडियों की हालत देख लीजिए, ना पीने को पानी है, ना सड़क है, ना लाइट है। अगर ये आएगा कि 12 बजे रात में किसान मंडी में बाहरी तत्व जो शरारी तत्व होते हैं लूट लेते हैं, पैसे छीन लेते हैं, उनकी कोई सुरक्षा नहीं, और आप बता रहे होंगे कि अब हम किसानों को फायदा पहुँचाने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल भ्रम जो है वो सरकार फैला रही है।